बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए डेली एनसीआर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाता रहता हूं। आज इसी तरह गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं जिसकी लोकेशन रहने वाली है हमारी पश्चिम विहार का BG7 ब्लॉक। जी गाइस, पश्चिम विहार के BG7 ब्लॉक के अंदर हमारी 100 यार्ड की यूनिट रहने वाली है, जिसके अंदर अगर मैं आपसे पहले साइज की बात कर लूं, 100 यार्ड्स का साइज रहने वाला है। अवेलेबिलिटी अभी आप हमसे कॉल करके पता कर सकते हैं, बुकिंग्स अभी अब ओपन है। अंडर कंस्ट्रक्शन साइज है पश्चिम विहार में गाइस, जितने भी हमारे प्लॉट्स रहते हैं 20x45 के रहते हैं, मैक्सिमम जो हमारे प्लॉट्स रहते हैं 20x45 के प्लॉट साइज रहते हैं। आज इसी तरह पश्चिम विहार के एक BG7 ब्लॉक के अंदर मैं आप लोगों के लिए यूनिट लेके आया हूं, जो कि गाइस मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि एक ऐसी यूनिट रहने वाली है जिसके अंदर आपको किसी भी चीज की मतलब डिससेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगी। क्वालिटी हम प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो ये बिल्डर हमारे बना रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा क्या है मतलब एंड, बट उससे पहले एक बार मैं आपको सारी लोकेशन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। अभी आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा स्पेस रहने वाला है, हमारा कार पार्किंग का स्पेस है। एंड अगर मैं आपसे प्रोजेक्ट की बात करूंगा इस, वो आपको मैं सामने दिखाऊं, एक आप जो ब्लू सा शेड देख रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अभी मैं आपको बाहर भी लेके चलूंगा। सबसे पहले मैंने सोचा यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर दिया जाए, पहले आपको एक लोकेशन का आइडिया हो जाए। अगर लोकेशन की बात करेगा इस, पहले सामने हमारा फ्रंट स्कूल रहने वाला है जो है, एंड ये पूरा पश्चिम विहार का BG7 ब्लॉक रहेगा। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा पश्चिम विहार का BG7 ब्लॉक है। अगर मैं आपको हाइजीन की बात करूँ एंड सोसाइटी की बात करूँ, बहुत ही क्लीनिंग सोसाइटी रहने वाली है। वाइड रोड है 100 यार्ड्स में गाइड, ऐसी गली बहुत ही ज़्यादा आपको रेयर मिलती है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये सामने का हमारा रहने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है गाइज। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल रहा होगा, एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। स्टिल्ट पार्किंग के साथ ही हमारी यूनिट्स बन रही हैं। पार्किंग की बात करें, घर के अंदर भी आप पार्किंग लगाएंगे, एंड साथ ही साथ अगर आपके पास ज़्यादा गाड़ी, आपको प्रॉपर सोसाइटी की पार्किंग मिलती है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एक बार मैं आपको स्टिल एक रफ आइडिया देता हूँ गाइज, ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। बुकिंग्स ओपन है गाइज, आप एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी डिटेल्स मिलेगी। सोसाइटी का बेनिफिट ये है गाइज, 24/7 गार्ड सिक्योरिटी है, आपका प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है। एंड बात करें अगर लोकेशन की, पश्चिम विहार का BG7 ब्लॉक रहने वाला है जिसके अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। बात करें अगर आपको मैं लोकेशन का बता दूँ, ये हमारी स्टिल्ट पार्किंग रहने वाली है। स्पेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी सारा सामान पड़ा है, एंड जब प्रॉपर यूनिट बनती है उसके बाद ही आपको आइडिया लगेगा। ये हमारी पार्किंग रहने वाली है, 25% का शेयर हर बंदे को पार्किंग में मिलता है, जिसमें एक गाड़ी अलाउड होती है। यहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो मैं आपको एक बार ऊपर ही लेके चलता हूँ। तो गाइस, ये अगर मैं आपको दिखा दूँ, स्टेयर केस रहने वाला हमारा, लाइट्स नहीं है, साइड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी बेसिकली गाइस आपके लिफ्ट लगेगी, जो कि सारी ब्रांड की लगेगी। एंड ये हमारा रहने वाला फ्लोर। स्पेस देखें गाइस, अभी एग्जैक्टली आप नहीं देखेंगे, बट इस यूनिट की आपको एक प्लस पॉइंट बताऊंगा, जो कि आप सुनते कहेंगे कि यार अगर लेना है तो इन्हीं बिल्डर का लेना है। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। बात करूँ सामने की लोकेशन की, भी वाइड रोड रहने वाली है, कार पार्किंग का भी स्पेस उधर मैंने आपको दिखा दिया, घर के नीचे भी खड़ी होगी गाइस, एंड यहाँ पर भी आप खड़ी कर सकते हैं वहाँ पर। बात करते हैं आज हम इस प्रॉपर्टी की, ये जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है गाइस, ये पश्चिम विहार के BG7 ब्लॉक के अंदर रहने वाली है। यहाँ पे अगर मैं आपसे अवेलेबिलिटी बात कर लूँ क्या रहने वाला है, सबसे बड़ी बात गाइस, अगर आपकी कोई भी पश्चिम विहार के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एंड आपको चाहिए कि हमें एक फेयर डील मिले, तो आप हम लोगों से एज सून एज पॉसिबल गाइस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको नंबर मिलेगा। बाकी सबसे बड़ी बात, मैं आपको इस प्रॉपर्टी की हाईलाइट देने वाला हूँ। हमारे जो ये बिल्डर हैं, इनमें इन्होंने एक प्लस पॉइंट हमेशा रखा है कि ये जो चीज़ बनाते हैं अपनी समझ के बनाते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, होता क्या गाइस, मैं किसी ऐसे कुछ कहूंगा नहीं, बट ये है कि जो भी बिल्डर्स होते हैं, आपको कई बार लोग जो आज के डेट में पब्लिक है जो प्रेफर करती है प्रॉपर्टी परचेज करना, वो हमेशा सोचती है कि हम खुद बना लेते हैं, बट ये बिल्डर जो है गाइस, ये अपनी ही समझ के बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको ये नहीं है कि ये किसी और को बेच रहे हैं, ये अपना ही समझ के बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको भी कभी कोई दिक्कत ना आए एंड ऑटोमेटिकली आप सेटिस्फाई होकर जाओ। गाइस, BG7 ब्लॉक में 100 यार्ड्स की यूनिट रहने वाली है, हमारे पास काफी यूनिट्स अवेलेबल है। आपका कुछ भी बजट रहता है गाइस, आप एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आपका जो बजट एक बार बताएं, हम उस तरीके से आपको यूनिट्स अवेलेबल कराएंगे। बाकी प्राइसिंग की जहां तक बात आती है, अवेलेबिलिटी की, आप एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी गाइस, BG7 ब्लॉक में 100 यार्ड्स की यूनिट है, एंड सबसे बेस्ट इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही शानदार यूनिट बनने वाली है, एंड जो अंदर इसका मटेरियल यूज होगा, आप
बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमें ये यूनिट दिला दी। बाकी थोड़ा नॉइज वगैरह है साइड पे, तो बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करके जाना, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बाकी मिलूंगा मैं आपको ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें, बाकी सब चंगा एंड रब रखा।